हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ब्रह्मा और आज मैं आप लोगों के साथ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। नाइट टाइम में स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रात को हम लोग का स्किन अंदर से रिपेयर होता है। मैं ये समझ सकती हूँ कि रात के टाइम हम लोग बहुत टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि सुबह से रात तक हम लोग जितना भी काम करते हैं फिर उसके बाद एनर्जी नहीं रहते हैं हम लोग में कि कोई और स्किन केयर प्रोसेस को जाके फॉलो करें। इस रूटीन को फॉलो करने से स्किन ब्रेकआउट्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इंट्रो हो गया, क्यों फॉलो करना चाहिए नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन को। अभी चलिए देख लेते हैं सारे वो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ये है मेरा वो पाउच जिसमें मैं सारे नाइट टाइम स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रखती हूँ। तो आप भी अगर चाहो तो एक ऐसा पाउच यूज़ कर सकते हो जहाँ पे नाइट टाइम स्किन केयर का एक अलग से रख सकते हो। लेकिन इस बैग को खोलने से पहले मैं अपना हेयर को सिक्योर करूँ, उसके लिए मुझे चाहिए एक कॉम्ब और एक क्लिप। ओके, तो मैंने अभी हेयर को सिक्योर कर लिया। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपने मेकअप किया हो तो आपको मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए। ये एक गुड हैबिट है क्योंकि अगर आप मेकअप रिमूव करके नहीं सोते हो तो रिंकल्स, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स बहुत इजीली हो जाएगा। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मेकअप को पहले रिमूव करना है फिर सोना है। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेस शॉप का एक मेकअप रिमूवर। मुझे चाहिए एक कॉटन पैड। यहाँ पे मैं इस कॉटन पैड में मैं मेकअप रिमूवर को ले लूँगी, पूरे फेस का मेकअप रिमूव कर लूँगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने 5 यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल दिखाया। वहाँ पे भी मैंने एक नेचुरल वे में मेकअप रिमूव कैसे किया जाता है यूजिंग एलोवेरा जेल दिखाया। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आई बटन में, आप अगर चाहो तो एक बार आप चेक कर सकते हो। मेकअप रिमूव करने के समय नेक को कभी मत भूलना, नेक का मेकअप भी आपको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 2 इज स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं काया का स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा फेस को वेट कर लेना है और इसको बहुत कम ही अमाउंट में आपको ये चाहिए, इतना ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी इसको पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। बहुत जेंटली आपको पूरे फेस में स्क्रबिंग कर लेना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। अभी मैं इसको नॉर्मल पानी से धो लूँगी, लिप स्क्रबिंग करूँगी। इसके लिए मुझे चाहिए ये एक टूथब्रश। आप चाहो तो होममेड स्क्रबर भी बना सकते हो या फिर आपके पास अगर कोई भी ब्रांड का स्क्रबर अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको इस टूथब्रश को लिप्स के ऊपर रब करना है लेकिन बहुत जेंटली। फिर आपको लिप्स को एक बार धो लेना है नॉर्मल पानी से, फिर उसके बाद आपको लिप बम अप्लाई कर लेना है। आप कोई भी लिप बम यूज़ कर सकते हो अपने पसंद के। मैं फेस स्क्रबिंग तो मैं वीक में 2 बार से ज़्यादा कभी नहीं करती, लेकिन लिप स्क्रबिंग मैं कभी कभी 3 या 4 बार भी कर लेती, लेकिन फेस स्क्रबिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फेस एंड लिप स्क्रबिंग से कंप्लीट होता है मेरा स्टेप नंबर 2। अभी लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप है आइस क्यूब अप्लाई करना। आइस क्यूब अप्लाई करने के लिए मैं लेती हूँ एक टिश्यू पेपर, फेशियल टिश्यू पेपर कोई भी आप ले सकते हो। आइस क्यूब को पूरा रैप कर लेती हूँ इस टिश्यू पेपर से, क्यूब को पूरे फेस में रब करती हूँ। आइस क्यूब को अप्लाई करना बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए, ये पोर मिनिमाइज करने में बहुत बेनिफिशियल है और आइस क्यूब स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। कभी कभी मैं इसको स्किप करके टोनर यूज़ करती हूँ। ये एक DIY टोनर है, इसको मैंने दिखा कि कैसे बनाया जाता है। ये इसको मैंने एलोवेरा यूज़ करके बनाया। आपको भी अगर DIY टोनर बनाना है तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। स्टेप 4 है नाइट क्रीम अप्लीकेशन। आपको जो भी नाइट क्रीम पसंद है आप यूज़ कर सकते हो, और आप अगर नाइट क्रीम अवॉइड करना चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली मैं जब बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई कर लेती हूँ उस दिन मैं प्रेफर करती हूँ नाइट टाइम में एलोवेरा जेल को यूज़ करने। मैंने ले लिया मेरा फेवरेट नाइट क्रीम लैक्मी 9 to 5 नेचुरल रेंज का। मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ इसको ही अप्लाई करना हमेशा।
आपके पास अगर टाइम हो तो आप थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हो। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का लास्ट स्टेप है ओवरनाइट एक्ने ट्रीटमेंट। ये ऑप्शनल है क्योंकि आपको अगर एक्ने या फिर पिंपल हुआ तभी इसको करना है, अगर नहीं हुआ तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। ओवरनाइट एक्ने को क्योर करने के लिए आपको चाहिए कोई भी एक टूथपेस्ट और एलोवेरा जेल। ओके, तो मैंने टूथपेस्ट और एलोवेरा जेल ले लिया। अभी ये दोनों का एक मिक्सचर बनाऊंगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लूंगी, बस इतना ही काफ़ी है, इतना भी आपको नहीं लगेगा एक्चुअली। अभी ये एलोवेरा जेल को मुझे इसके साथ ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया एलोवेरा जेल और टूथपेस्ट। अभी मैं ये दोनों को एक साथ मिक्स कर लूँगी। ऐसा पेस्ट बना, इसको आप जहाँ पे भी आपका पिंपल है उसको लगा लेना है। पूरा रात ऐसे ही छोड़ देना है, सुबह उठ के नॉर्मल पानी से आपको फेस वॉश कर लेना है। आपको अगर ये पूरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन सिंपल एंड बेनिफिशियल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।